If anyone comes in, then they can join in later. Okay, so in today's class, we'll be doing the chapter organizational structure. Aap dono ko no, sir. Kyun? We have to continue the marketing chapter. Abhi humne complete nahi kiya tha. That was AS. ये A2s है. Oh, okay, sorry. ये अभी A2s के लिए we completed further human resource management. So now we'll be going to the next chapter, that is organizational structure. Okay. इसके अंदर हम यूनिट 2 पे ही हैं. अभी दो चैप्टर रहते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और एक बिजनेस कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टुडे. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक द कंपनी, द फर्म. एंड स्ट्रक्चर एक्चुअली टॉक्स अबाउट के आप किस तरीके से अपना हायरार्की बनाते हो, आपका चेन ऑफ कमांड क्या है, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है. तो ये तीनों वर्ड्स जो मैंने लिए अभी, वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल आगे आते हुए. सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली होता क्या है. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सोल ट्रेडर यूजुअली वो वाला बिजनेस है जिसके अंदर there is one person who's owning and managing the business. तो उसके पास usually कोई as such इतना बड़ा structure नहीं होता organization का. मतलब organizational structure का मतलब है किस तरीके से आपके roles और responsibilities divided हैं, किस तरीके से आपकी company में decisions लिए जाते हैं. तो usually sole trader में क्यों नहीं होता, because owner does all the works and makes all the decisions. तो इसलिए उसको जो है वो कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती. उस वो नॉर्मली सारी चीजें खुद ही कर रहा होता है. ना उसके पास ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, ना डिविजन्स होते हैं. बहरहाल, व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर कंपनी, दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो अगर आप एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस तरीके का होता है जो फिगर 14.1 में बनाया हुआ है. ऑन द टॉप इज योर चेयरपर्सन, मतलब जो आपका चेयरमैन होता है, द वन हु स्टार्टेड ऑफ विद द बिजनेस और द वन हु हैज द मोस्ट शेयर्स. फिर आपका सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हु विल बी मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. इनके डायरेक्टली अंडर आते हैं आपके चारों डिपार्टमेंटल हेड्स. ठीक है, अब कई दफा क्या होता है, यहाँ चार लिखे में हो सकता है किसी कंपनी ने अपने डिपार्टमेंट्स को चार से ज्यादा में डिवाइड किया हुआ, बट मोस्टली देर आर फोर डिपार्टमेंट्स. एक मार्केटिंग होता है, एक ऑपरेशंस होता है, एक फाइनेंस होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है. फिर उसके अंडर डिपार्टमेंट्स के अंडर भी यू हैव डिफरेंट रोल्स. और जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर के पास सेल्स मैनेजर होता है, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर होता है, और फर्दर इसको आप डिवाइड करते रहते हो. देखो, दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मेड, विच शोज दैट हु रिपोर्ट्स टू होम, या किसका लाइन मैनेजर कौन होता है, या इट कैन ऑल्सो शो दैट हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीशन मेकिंग इज डन, हाउ फॉर्मल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पीपल आर क्रिएटेड. तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाता है. अब क्या क्या दिखाता है, इट इज रिटन ओवर हियर इन दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज इट इंडिकेट्स हु हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीशन मेकिंग. अब आपको नजर आ रहा है कि हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है या होनी चाहिए. जैसे आपका चेयरपर्सन के पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद उससे अंडर बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस तरीके से ये डिफाइन कर दिया जाता है. सेकंड इज द फॉर्मल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड डिपार्टमेंट्स. इसका मतलब है हर इंडिविजुअल को पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एंड हमें किसको रिपोर्ट करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, आपका लाइन मैनेजर कौन है.
बिकॉज इफ यू नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको काम कौन देगा एक बार, और आपको काम देने के बाद आप रिपोर्ट किसको करोगे. ठीक है. द थर्ड वन इज द वे इन विच अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी मे बी पास डाउन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस मीन्स दैट इसके लिए ये होता है कि आपको चेन ऑफ कमांड, आई टोल्ड यू एक चीज होती है, और चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज टू पास ऑन द अथॉरिटी डाउन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कैसे एक बंदे से आप डिसीशन मेकिंग या अथॉरिटी दूसरे बंदे को दिलवाते रहते हो. ठीक है. चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि मैं अगर एक पोजीशन पे खड़ा हूँ, सो हाउ विल आई पास ऑन द वर्क टू माय सबऑर्डिनेट, दैट इज चेन ऑफ कमांड. स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू ईच सीनियर मैनेजर. इसका मतलब है कि एक बंदे के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके मार्केटिंग डायरेक्टर के अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, तो इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा टू पीपल, सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर. दीज आर द टू पीपल हु आर वर्किंग अंडर द मार्केटिंग डायरेक्टर. सो इट क्लियरली टेल्स यू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू ईच सीनियर मैनेजर. Okay, moving on, it also shows the formal channels of communication, both vertical and horizontal. तो ये वही वाली बात है कि communication किस तरीके की होनी है. अगर sales manager को कोई बात नहीं पता चलती, so that would be the fault of the marketing director, because he is solely responsible to inform his subordinate. ठीक है, तो एक formal relationship आपको पता है. The last one is the identity of the supervisor or manager to whom each worker is answerable. So one again the same point कि सबको ये पता होना चाहिए, clearly defined होना चाहिए कि आप किसके अंडर काम कर रहे हो, आपका supervisor कौन है, whom you are answerable to. अब anyone who has a question up till now? No sir. Okay. अब आपका जो no sir. Okay, perfect. जो अब आपका जो नॉर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर है ना, या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ओवर हियर जो है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है. इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल ऑन ईच हायर लेवल. ये हमने 14.1 में जो देखा था कि हर उस पे बहुत कम लोग हैं. बहरहाल ऐसा नहीं होता ऑल द टाइम कि आप बोलो कि बस एक बंदे के अंडर एक बंदा है. नहीं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग डायरेक्टर, देन प्रोबेबली देयर कुड बी 4 to 5 पीपल वर्किंग अंडर हिम. दैट कुड बी द असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है, तो टिपिकल हायरार्कियल पिरामिड पे अगर आप जाते हो तो वो बताते हैं कि सबसे नीचे तो होते हैं लाइन वर्कर्स, जो मतलब सबसे नीचे वाली पोजिशन पे बैठे होते हैं, और उनके ऊपर आ जाते हैं सुपरवाइजर्स जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं. सुपरवाइजर्स को मैनेज करते हैं आपके मिडिल मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स को आपके मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स के ऊपर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव. सर यहाँ पे चेयरपर्सन क्यों नहीं है? चेयरपर्सन डायरेक्टर्स के नाम से है बेटा. जो आपका मतलब आप वो पूछ रही हो कि चेयरपर्सन क्यों नहीं है सबसे ऊपर. Basically, chief executive को they are telling you that he is the on top of it. तो ये hierarchical pyramid है, ये exact structure इन्होंने नहीं बनाया है. तो हर जगह पे chairperson जरूरी नहीं होता. CEO जो होता है उसके पास भी बहुत authority होती है, and he can take most of the decisions himself. ठीक है, इसलिए सिर्फ pyramid के अंदर इन्होंने इस तरीके से broadly jot down कर दिया. Okay, sir. Okay. Now, when we talk about hierarchical structures, तो hierarchical structure का advantage ये होता है कि आपको ये पता होता है कि decision making कहाँ पे. अब देखो जहाँ जो हमने hierarchical structure देखा उसमें clearly नजर आ रहा था कि decision making is on top. ठीक है, लेकिन that decision making on top is passed to the lower level. तो ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर में बहुत क्लियरली नजर आता है. ठीक है,
अब ये जरूरी नहीं होता दैट द वर्टिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, दे कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन रीजन और कंट्री और प्रोडक्ट कैटेगरी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास मार्केटिंग डायरेक्टर है तो मार्केटिंग डायरेक्टर के अंदर हो सकता है कोई प्रोडक्ट मैनेजर आ रहा हो सकता है कोई रीजनल डायरेक्टर आ रहा हो, तो दीज थिंग्स आर क्लियरली डिफाइंड इन द हायरार्कियल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि लोगों को पता होता है कि हमने किसके अंडर काम कर रहे हैं और हम किसको किसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से आपका करियर लेडर जो है ना वो बेटर हो सकता है, बिकॉज एम्बिशियस एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने लाइन मैनेजर को खुश करने के लिए दे विल वर्क लाइक अ लॉट एंड दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो जो उनकी कॉर्पोरेट लेडर है वो उसको चढ़ के आगे ग्रो कर सके। ठीक है, अदर देन दैट आपका रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज क्लियरली डिफाइंड इन एन हायरार्कियल स्ट्रक्चर। उनको पता होता है हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि आपका चेन ऑफ कमांड बड़ा क्लियरली पता है। चेन ऑफ कमांड क्या है, दैट यू आर असाइंड द अथॉरिटी बाय योर लाइन मैनेजर, दैट इज चेन ऑफ कमांड। ठीक है, और आपको इससे ओवरऑल कल्चर भी पता चल जाता है कि भाई डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है, किस तरीके से चलना है। ओके, दिस वाज द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक के अंडर नहीं आ रहे थे। इट वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम कहते हैं कि सीईओ है, फिर चेयरपर्सन है, फिर डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर के अंदर के बाद दो दो लोग हैं उनको रिपोर्ट करने वाले, उनके अंडर एक एक लोग हैं। दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमेशा कम्युनिकेशन वुड गो टॉप टू डाउन। दैट मींस के ऊपर से सीईओ से या चेयरपर्सन से या मार्केटिंग डायरेक्टर से बात नीचे जाएगी लाइन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स तक। देखो ब्यूरोक्रेटिक वैसे तो हम यूज करते हैं किसी भी हाई एंड चीज के लिए। ब्यूरोक्रेसी एक चीज है, अगर आपको पता हो तो ये गवर्नमेंट के भी जो टॉप नॉच लोग होते हैं ना हम बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इसका बेसिक मतलब होता है हाई एंड। ये तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्यों यूज हो रहा है, वो इसलिए यूज हो रहा है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि टॉप के जो लोग हैं उनकी अथॉरिटी इज वेरी हाई एंड दिस फॉलोज अ कम्युनिकेशन विच इज टॉप टू डाउन। इसका मतलब है कि ये नीचे के लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पीपल हु ऑन द टॉप एंड दे आर द वंस हु विल टेक द डिसीजंस। ठीक है, ओके सर। ओके, सो अब जो है ये अदर देन दैट दे आल्सो शो के भाई कोई हॉरिजॉन्टल लिंक नहीं है। इसका मतलब है अगर आपने देखा हो तो ये टॉप टू डाउन चल रहा है, बीच बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन सेपरेट डिविजन्स। इसकी वजह से आपकी कोऑर्डिनेशन जीरो हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन जीरो हो सकती है। और अगर वर्टिकल डिवीजन में कहीं ना कहीं आपका टनल टूट जाता है, कोई बंदा नहीं आया जिसको पता होना चाहिए, कोई जॉब से चला जाता है, सो योर ओवरऑल डिसीजन मेकिंग, योर ओवरऑल कम्युनिकेशन स्टॉप्स टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से ये बड़ा इनफ्लेक्सिबल है और इसके अंदर मतलब आप कोई चेंज ही नहीं ला सकते क्योंकि इट फॉलोज द सेम पाथ दैट इज टॉप टू बॉटम। अब अगर वर्कर के पास कोई ऐसी न्यूज हो या वर्कर के पास कोई ऐसा सजेशन हो, ही कैन नॉट कम अप विद दैट सजेशन बिकॉज दे डू नॉट गिव द अथॉरिटी टू द वर्कर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो बस अपनी जगह डिफेंड करते रहते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, सो दे डू नॉट ब्रॉडली थिंक अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड दे जस्ट ओनली गो फॉर देयर ओन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब आपका एक होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये होता है कि आप जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिवाइड कर दो कि इसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स हो जो के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दी जाए। ठीक
ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम्स का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट टीम्स का मतलब ये होता है कि हर डिपार्टमेंट से बंदे लो और उनको एक साथ इंक्लूड कर दो। देखो, एक प्रोजेक्ट में ये नहीं होता कि मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो सिर्फ मार्केटिंग का बंदा होगा। नहीं, वी विल डेफिनेटली नीड पीपल फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट और द एचआर डिपार्टमेंट और द सेल्स डिपार्टमेंट टू हेल्प देम आउट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहता है कि आप जो है वो जो प्रॉब्लम्स हायरार्कियल स्ट्रक्चर में थी उसको हटा दो और आप करो ये कि आप जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट करके आपने डिवाइड कर दिया था उसको छोड़ के आप ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि आपकी एक टीम बन जाए और वो टीम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट डिविजन से मिला के बन जाए। इससे क्या होगा? इस देखो, ये अगर आप यहाँ देख सकते हो तो इट वुड बी क्लियर इन दिस 14.3 वाली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट वन जो है अभी हॉरिजॉन्टली चल रहा है। प्रोजेक्ट वन में फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के शायद दो दो लोग, तीन तीन लोग, शायद एक डिपार्टमेंट से ज्यादा, एक से कम, बट दीज थ्री डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टीम टू में क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट टीम टू में ये हो रहा है कि आपके पास सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। सो इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। ठीक है, इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि आप स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना। Sir, what does this table show us? ऑल राइट, दिस टेबल शोज यू दैट इन देखो, अगर आप प्रोजेक्ट टीम वन देखोगे ना तो इन्होंने बनाई हुई है एरो हॉरिजॉन्टली। सो दे ट्राइंग टू शो यू दैट इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी लोग हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? प्रोजेक्ट टीम वन हॉरिजॉन्टल Yes. लाइन। अच्छा, जी. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू के लिए इन्होंने मतलब ये दिखाया है कि हमने वर्टिकल लाइन बनाई है। दैट मीन्स कि सारा प्रोजेक्ट इज डन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इससे क्या एडवांटेज होगा? इससे एडवांटेज ये होगा कि आपकी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी डिपार्टमेंट वाइज। सारे डिपार्टमेंट्स का गोल जो होगा या विजन जो होगा वो ये होगा कि हमें टारगेट फुलफिल करना है। किसका? हमें टारगेट फुलफिल करना है पूरी फर्म का। जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू फुलफिल दैट इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग आर ओन टारगेट्स। कि हम बोले फाइनेंस डिपार्टमेंट का टारगेट था कि हमें जो है वो कैश फ्लो इम्प्रूव करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टारगेट था कि हमें जो है वो सेल्स इंक्रीज करनी है। भाई, इफ यू ऑल विल वर्क टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी देन इट वुड बी बेटर। तो इसलिए जरूरी है कि सबको एक पॉइंट पे लाया जाए और सबको मिला के काम कराया जाए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ओके, सो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट डिवाइडेड होता है। और ये बात बोली जाती है, पीपल हैव यूज्ड दिस थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और उनको ब्यूरोक्रेसी इसलिए नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि अगर वो ब्यूरोक्रेसी वाले स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत रिजिड हो जाएंगे। मतलब वो एक ही तरह का फॉलो करेंगे, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगी, एज यू डूइंग द सेम थिंग फॉर द पास्ट 20 to 30 years। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज यूज ऑफ प्रोजेक्ट टीम्स शुड लीड टू मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज एज स्टाफ विल बी मोर मोटिवेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट। अब अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बंदे को बिठाता हूँ मार्केटिंग टाइप प्रोजेक्ट में, तो मैंने एक स्पेशलिस्ट निकाला है उनमें से जो कि इस प्रोजेक्ट को ज्यादा बेहतर समझेगा। सो ही विल बी मोटिवेटेड एंड ही विल अंडरस्टैंड कि उसको भाई इतनी इज्जत दी गई है और उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है दैट ही कैन कम अप विद बेटर आइडियाज। सो दैट वुड बी अ गुड आइडिया कि भाई तुम हमारे साथ काम करो ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड प्रोबेबली इससे तुम्हें ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई थी बिटवीन डिपार्टमेंट्स वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही एक अच्छा फायदा होता है
कि आपका डिजाइन इस तरीके से हो जाता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर का दैट यू आर एबल टू टॉक टू ईच अदर ऑल द टाइम. मतलब आपको कोई मसला होता है, अब देखो ये बात याद रखना बिजनेस स्टडीज से में भी और आगे जिंदगी में भी, दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट दोज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू वर्क टूगेदर. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि मैं एक बहुत हाई लेवल प्लान बना दूंगा अंटिल द फाइनेंस डिपार्टमेंट टेल्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कि तुम्हें ये बात का ख्याल रखना है कि हम तुम्हें इतने फाइनेंसेस देंगे. या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि मैं 20 लोग इम्प्लॉय कर लूंगा नए बगैर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से पूछे. सो एवरी डिपार्टमेंट हैज टू वर्क टूगेदर एंड दिस गिव्स यू अ राइट इंडिकेशन कि आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, नाउ अदर देन दैट ये भी बात होती है कि जब कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा फोकस ये होता है दैट पीपल work towards the final goal that is to improve the overall firm or company instead of ye ki aapka focus sirf apne department ke liye bhi ho. Ab aapka focus rahega ki project acha ho aur project is done by everyone who's part of that project, not finance department, not marketing department, every person who is part of that department. और तो और इसका एडवांटेज ये है कि हर प्रोजेक्ट के लिए जो टीम सेलेक्ट होगी वो स्पेशलिस्ट लोगों की होगी. सो दे विल कम अप विद सक्सेसफुल सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी क्रिएटेड क्विकली व्हिच आर वेल डिजाइंड एंड व्हिच रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजिंग मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस. तो आपकी मार्केट चेंज हो रही है, अब ये वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर से इन्फो निकाल के आएंगे. सो इट वुड बी ईजी फॉर देम टू हैंडल द ओवरऑल स्ट्रक्चर. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एट टाइम्स आपको फीलिंग आती है कि टॉप टू बॉटम डिसीजंस भी बहुत जरूरी हैं. अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका ऑन टॉप जो है वो शायद इतनी एम्पावरमेंट, इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं है. तो अगर आपके पास टॉप से नहीं आ रहा तो शायद यू आर ट्राइंग टू शो दैट द टॉप पर्सन डजंट हैव दिस मच अथॉरिटी. So when you pass on the decisions, the managers or the junior staff won't take it that seriously. ठीक है, इससे क्या मसला होता है कि इससे ये हो जाता है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमारा एक्चुअल लीडर कौन है और हमें फॉलो किसको करना है. सो देर आर लाइक अ सर्टन लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और इवन ये प्रॉब्लम कि हम किसको फॉलो करें बिकॉज इन अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इट इज वेरी क्लियर कि भाई तुम्हें किसके अंडर हो और किसके साथ काम करना है. ठीक है, तो ये भी हो जाता है कई दफा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अपनी सोच से आ रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला अपनी सोच से आ रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव डिफरेंट लीडर्स एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स और इन डिफरेंट हायरार्कियल प्रोजेक्ट्स विच कुड एक्चुअली कॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो वो अपनी सोच में वो कोशिश करेगा कि फाइनेंस का ख्याल कर लिया जाए, अगला कोशिश करेगा कि मार्केटिंग का ख्याल कर लिया जाए. सो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ? नो सर. सर एग्जाम में हमें ब्यूरोक्रेटिक और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करके लिखना पड़ेगा? नहीं, देखो बिजनेस स्टडीज जो A2s वाला आता है ना वहाँ, उसके अंदर दे गिव यू अ केस स्टडी और उस केस स्टडी के अंदर दे विल एक्चुअली गिव यू अ स्ट्रक्चर एंड दे कैन आस्क यू के इसका एडवांटेज क्या है. तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है कंपनी में. अब वो ब्यूरोक्रेटिक हो रहा है या वो मैट्रिक्स हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड इट थ्रू द केस स्टडी. वो बड़ा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा. फिर वो कहेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन दिस केस स्टडी मुझे ये बताओ कि कंपनी ने सही फैसला किया या गलत इवैल्यूएट करके. सो यू विल राइट द एडवांटेजेस एंड यू विल राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ये नहीं कि आपने इस पॉइंट को, मतलब आप पॉइंट्स को अपने बेसिस पे लिख रहे हो जो आपने रीड किया है. यू हैव टू यूज दीज पॉइंट्स एंड पुट देम इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनीज केस स्टडी. ठीक है, वो लिखने के बाद आप इवेल्युएट करोगे कि जी कंपनी का सही आइडिया है दे शुड कंटिन्यू विद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या कंपनी का गलत आइडिया है
ऑफ यूजिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले सवाल आपको A2s में नहीं मिलेंगे, AS में तो मिल सकते हैं कि डिफाइन करो या कंपेयर करो, बट यहाँ पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो यू विल हैव टू लाइक इवैल्यूएट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ठीक है सर। वैसे सर आप सिंपल वर्ड से बता सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, लाइक द सिंपल वर्ड्स? जी बिल्कुल, मैं आपको आसान उसमें बता देता हूँ। ब्यूरोक्रेटिक जो है ना, वो कम्प्लीटली एक वो स्ट्रक्चर है जो डिफाइंड है, हमेशा वैसा ही रहेगा। ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी, टॉप्स पे डिसीशन लिया जाएगा, वो डिसीशन वो अपने नीचे वाले बंदों को एक एक करके बताते रहेंगे। ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर जो है, और ये बड़े आराम से डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना काम है, फाइनेंस का अपना काम है, ये होता है ब्यूरोक्रेटिक। मैट्रिक्स ऑन दी अदर हैंड ये है कि उनकी कोशिश होती है कि सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मिलाया जाए, कोई ऊपर डिसीशन नहीं लिया जा रहा, एक प्रोजेक्ट टीम बना दी जाती है। प्रोजेक्ट टीम जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, तो वो तीन चार डिपार्टमेंट से मिला के एक टीम बन जाती है। और उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो एक प्रोजेक्ट को फुलफिल करें। तो उसके अंदर कोई भी एज सच लीडर नहीं होता, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ही लीडर होगा और या फाइनेंस वाला ही लीडर होगा। इट इज वेरी सिंपल के आपका लीडर जो है वो कहाँ से उठाया जाएगा। आपका लीडर डिपेंडिंग अपॉन जो आप काम कर रहे हो उसमें जो बेस्ट बंदा होगा उसको लीडर बना देंगे। ठीक है, महा क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हैं? एक तो लेवल ऑफ हायरार्की होती है। लेवल ऑफ हायरार्की आपको बताती है कोई ग्रेड या रैंक ऑफ स्टाफ, मतलब आपके हिसाब में ये स्टाफ जो है किस ग्रेड का है या इसका रैंक क्या है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एंग्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए ये होता है कि अगर आप ग्रेड 6 पे हो या ग्रेड 5 पे हो तो अभी आप एक लोअर लेवल स्टाफ हो, लेकिन अगर आप ग्रेड 8 पे चले गए हो तो आप एक मिडिल लेवल मैनेजर की पोजीशन पे आ गए हो, फिर ग्रेड 10 पे आ गए तो आप हाई लेवल मैनेजर हो। तो ये जो लेवल ऑफ हायरार्की है ये बताता है आपका रैंक या आपका ग्रेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर आपके जितने ग्रेटर नंबर ऑफ लेवल्स या ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेड्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ये होगा कि आपका स्टार्टिंग लेवल बहुत नीचे से होगा। अगर आप मतलब बिल्कुल स्टार्ट में आए हो तो आपकी कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी वगैरह भी कम होगी, बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे, और जितना जितना आप लैडर चढ़ते जाओगे, जितना ग्रेड ऊपर चढ़ते जाओगे तो आपको ऊपर आने का मौका मिलेगा, मतलब आपको ज्यादा पैसे कमाने का ग्रोथ का चांस मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन बेटर मिलेगी, आपको ओवरऑल पैसे ज्यादा मिलेंगे, बोनसेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। सर हम इसको अचीव ऐसे कंपनी करवाएगी लेवल ऑफ हायरार्की को कि वो वर्कर्स को टारगेट देंगे और फिर जो वर्कर्स उसको अचीव करके रैंक ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे होगा? हाँ, बेसिकली यही होता है कि आपके ग्रेड्स डिफाइंड होते हैं और आपका ग्रेड जो है आपको आगे जाने के लिए मतलब नेक्स्ट ग्रेड पे जाने के लिए आपको अपने टारगेट्स फुलफिल करने होते हैं। इफ यू आर डूइंग दैट सो दे विल इवेंचुअली मेक श्योर कि आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते जाओ। अच्छा, ये कहते हैं कि एक नैरो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की ज्यादा है। नंबर ऑफ लेवल ऑफ हायरार्की का मतलब क्या है, जैसे आपने ब्यूरोक्रेटिक में देखा था कि पहले सी चेयरपर्सन है, उसके नीचे सीईओ है, उसके नीचे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स के नीचे और हेड वो हैं, रीजनल मैनेजर, रीजनल, ये आपकी नीचे 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 जितनी नीचे लोग जाते जाओगे उतनी हायरार्की बढ़ जाएगी, मतलब टॉल होगी। तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम स्लो विद मैसेजेस बिकमिंग डिस्टॉर्टेड और फिल्टर्ड इन सम वे।
पहली प्रॉब्लम बेटा सबसे बड़ी ये है कि कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना डिपार्टमेंट वो जितना ग्रेड नीचे चला जाता जाएगा, एक तो शायद उन तक मैसेज पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंच रहा है तो वो मैसेज में कुछ डिफरेंस आ जाए, क्योंकि उसके थ्रू मैसेज जाता है तो दे प्रोबेबली विल हैव अ प्रॉब्लम। दूसरा है स्पैन्स ऑफ कंट्रोल आर लाइकली टू बी नैरो। अब स्पैन्स ऑफ कंट्रोल मैंने बताया था कि एक बंदे के अंडर जितने लोग काम करते हैं वो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक बंदे के अंदर शायद एक बंदा या दो बंदे या तीन बंदे मैक्सिमम काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक बंदे के अंडर कोई 5, 6, 7 लोग एटलीस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वील रीड थ्रू कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होने का मसला क्या होता है। अच्छा, तीसरा ये है कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई हिस्सा नहीं है, दे वुड इवेंचुअली फील डीमोटिवेटेड, अनइम्पॉर्टेंट। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप उनको इंक्लूड ही नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होंगे कंपनी के ओवरऑल प्रोसीजर से। फिर जो हमें और चीजें पता होनी चाहिए थी वो था चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड एक्चुअली शोज यू हाउ इंस्ट्रक्शंस आर पास डाउन द हायरार्की। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपकी चेन ऑफ कमांड बड़ी है तो दैट मींस के कम्युनिकेशन विल टेक टाइम। चेन ऑफ कमांड को अगर आपने डिफाइन करना हो तो दिस इज द रूट थ्रू विच अथॉरिटीज पास डाउन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अथॉरिटी बोलो, डिसीशन बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, तो ये शो करता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे आती जाती हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल आई टोल्ड यू इट कैन बी वाइड। इसका मतलब है कि एक मैनेजर को डायरेक्टली बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक होता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी नैरो, विच का मतलब होता है कि आपके पास बहुत कम लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये 14.4 जो आप देख रहे हो ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। एक लीडर के वो कोई 8 लोग इनको मतलब इनके अंडर हैं। सिमिलरली 14.5 ये दिखा रहा है कि एक बंदे के अंडर एक 3 लोग हैं, फिर एक बंदे के अंदर 3 लोग हैं। सो दिस इज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल विच शोज के बहुत सारे लोग आर नॉट वर्किंग अंडर वन पर्सन। ठीक है, कोई सर, कौन क्वेश्चन से स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो सा है मैसेज के लिए बताना होगा? बेटा? सॉरी, आपने क्या पूछा? कौन से स्पैन ऑफ कंट्रोल में मैसेज डिलीवर करने में मसला होता है? यू सेड दैट देखो, जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ना, उसके अंदर ये मसला होता है कि आपके पास देखो एक बंदे के अंदर पहले 3 लोग, फिर एक बंदे के अंदर 3 लोग, फिर उस एक बंदे, तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस, क्योंकि ये टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है जो ज्यादा ग्रेड्स वाला होता है, विच इज अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो ये एक बंदा अपने 8 लोगों को बिठाएगा और ये 8 लोगों को बिठाने के बाद बोलेगा कि वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी नीड टू टेक अ डिसीजन विच दे कुड टेक आराम से। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी कि किसका होगा, तो वो नैरो का होता है, मतलब जिससे आपका स्ट्रक्चर टॉल हो जाता है। ठीक है, ओके। फिर एक चीज होती है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है इंग्लिश मतलब होता है डेलीगेट करने का, कि आप किसी को कोई काम बता रहे हो। ठीक है, तो डेलीगेशन ओवर हेयर मींस इन बिजनेस स्टडीज दैट यू आर पासिंग डाउन ऑफ अथॉरिटी टू परफॉर्म टास्क एंड टेक डिसीजंस फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेलीगेशन का मतलब है कि जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम डेलीगेट करता है, टास्क डेलीगेट करता है, डिसीशंस डेलीगेट करता है, ताकि वो उस चीज पे अमल करके काम कर सके। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर द एम्प्लॉयज इफ दे आर डेलीगेटेड सम वर्क। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि दे फील इम्पोर्टेंट। उनको लगता है कि हमें काम इन्होंने इस नियत से दिया है that we need to complete this and we are skillful enough that we can complete it। ठीक है,
तो अगर आपका जो मैं आपको कह रहा था कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का भी मसला होता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का ये मसला होता है कि डेलीगेशन करते वक्त आपके लिए कंट्रोल करना बिकम्स डिफिकल्ट। अब तो आप किसको क्या काम दो, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू मेक श्योर कि भाई ये काम होता रहे, लेकिन सही नहीं भी हो पाता डेलीगेशन। अब आपके पास 15 लोग हैं, सबको आपने इक्वली काम देना है या एक को ज्यादा देना है, दैट कैन बी एन ओवरऑल प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम थोड़ा सा वापस आएंगे इसके ऊपर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डेलीगेशन की ये टू प्रिंसिपल्स हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कम से कम काम डेलीगेट करते हो, ठीक है ना, आप कोशिश ये करते हो कि आप सारे काम खुद ही कर रहे हो, बस आप अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व रखते हो बगैर बताए कि हम क्या कर रहे हैं, बस आप उनको ये बता देते हो दैट यू नीड टू डू दिस थिंग डिपेंडिंग अपॉन, मतलब डेलीगेट नहीं किया होता, आप बस बता देते हो पर डे के हिसाब से दैट यू वी आर डूइंग दिस। तो ये मिनिमम डेलीगेशन होती है लाइक इसमें। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जी आ जी जाता जी बिल्कुल, सेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑटोक्रेटिक है, वेरी नाइस। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि यू आर पासिंग डाउन द डिसीशंस अथॉरिटी टू मैनेजर्स, और आप उनके थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट डिविजन्स को यू अलाउ दैट दे टेक ऑन योर डिसीशंस, और वो उसके अंदर डेलीगेशन करते हैं। सही है, तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश करती है कि भाई हम डेलीगेट ना करें और हम फॉलो करें वही सेम प्रोसीजर जिससे बिजनेस को यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मिलती है। इसका मतलब जिस तरह से बिजनेस हमेशा से चलता आ रहा था, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश करती है कि वो स्टाफ को इजाजत दे कि भाई तुम लोग कोई डिसीशंस लो, बिकॉज दैट कैन बी लाइक दैट इज काइंड ऑफ एन एम्पावरमेंट टू देम, एंड यू आर ट्रस्टिंग देम कि आप जो है वो यू आर मोर क्लोजर टू द एक्शन, यू आर देयर इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो यू विल टेक बेटर डिसीशंस देन अस, इसलिए ये अच्छा आइडिया है कि आप डिसीशन लो। सही है, आर वी क्लियर ऑन दिस? सर। ओके, हमारी मीटिंग एंड होने में 1 मिनट रह गया है। टिल दैट टाइम आई विल ट्राई टू कंप्लीट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन वी विल बिगिन इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। ओके, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन क्या है? इससे सीनियर मैनेजर्स को अपना काम करने पे या स्ट्रेटेजिक रोल्स करने में ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि वो जो है ऑपरेशनल टास्क पास डाउन कर देते हैं एम्प्लॉयज को। सेकेंडली, वेन यू आर शोइंग ट्रस्ट टू योर सबऑर्डिनेट्स, इनके लिए ये बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तीसरा ये होता है दैट यू डेवलप एंड ट्रेन योर स्टाफ फॉर सीनियर पोजीशंस। जब आप उनको अभी डिसीशन मेकिंग करना सिखाओगे तो जब वो आगे जिंदगी में आएंगे तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी टू अचीव समथिंग बिग, ठीक है। और वो स्टाफ जो है, वो जो हमने हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था, वो समवेयर दे वुड रीच टू द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स एंड दे विल बी ऑन अ पॉइंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम, वेयर दे फील कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज ऑन द अदर हैंड क्या है? अगर आपकी टास्क वेल डिफाइंड नहीं होती और ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपरली गिवन नहीं है, तो आपकी डेलीगेशन सक्सीड करना मुश्किल है। सेकेंड इज, डेलीगेशन विल बी अनसक्सेसफुल इफ इनसफिशियंट अथॉरिटी इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। अब आपने कह तो दिया कि हमने अथॉरिटी दे दी है, लेकिन आपने उनको कंप्लीट अथॉरिटी ना दी हो तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस तरीके का डिसीशन लूं। और तीसरा जो है, मैनेजर्स मे ओनली डेलीगेट द बोरिंग जॉब्स दैट दे डू नॉट वांट टू डू। मैनेजर्स कहते हैं जो फालतू सी जॉब है वो तो हम आपको दे दें।